अपने बच्चों को बचाने के लिए आप अपने घर का मुआयना कीजिए, आज ही कर लीजिए कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एक बच्चे को करंट लग सकता है। दूसरा, गर्म बर्तन पकड़ लेते हैं। तो जब अगर आप दस्तरखान, जैसे आज आप इफ्तार में दस्तरखान लगाते हैं, सहरी में दस्तरखान लगाएंगे, अगर बच्चे हैं तो अव्वल तो यूँ दस्तरखान ना लगा दें, गर्म मतलब गर्म पतीले ना रख दें, गर्म बर्तन ना रख दें कि बच्चा आए और उसको पकड़ ले, गर्म स्त्री को ना पकड़ ले, क्योंकि बाज़ औक़ात वो स्त्री कर कर फ़ोन पर जवाब, ज़्यादातर फ़ोन पर जवाब देने चले गए, या किसी आस पास वाले को जवाब देने चले गए, या कोई खाना आपने चूल्हे पर रखा हुआ वो उठाने के लिए चले गए, उसको या उसको देखने के लिए चले गए, और स्त्री यूं के यूं ही रख दी, बच्चे ने आकर स्त्री को हाथ लगा देना है, खुदा ना करे स्त्री ही गरम गरम स्त्री बच्चे के हाथ पर पड़ जाए या उसके पाँव पर पड़ जाए, कैसी तकलीफ होगी उस वक्त बच्चे को। तो इससे अपने बच्चे को बचाएं। इसी तरह बाज़ों का दवाइयाँ, हालांकि हर दवाई पर कमोबेशर दवाई पर लिखा हुआ है तमाम दवाएँ बच्चों की पहुँच से दूर रखी है, अब दवाई अपने खुद बच्चा खा ले ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उठाकर वो शरबत, वो खांसी का शरबत हो या बुखार का शरबत हो, इसकी बोतल उठाकर ले आते हैं और ख़ुद पी लेंगे तो उनको नुकसान होगा, उनको पता ही नहीं है कि ये बोतल पीनी भी है नहीं पीनी, या शरबत पीना या नहीं पीना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह अगर जीना बच्चा उतर रहा है तो बराए करम कोई ऐसी तरकीब बनाएं कि बच्चे का हाथ पकड़ कर जीना उतरवाएँ, या उतर क्योंकि बच्चा जब जीने से गिरता है ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी बेएहतियातियाँ बाज़ औक़ात करते हैं। मैं आपको एक मंज़र दिखाने जा रहा हूँ, बेएहतियाती की इंतहा का मंज़र दिखाने जा रहा हूँ, जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो बराए करम ना देखें। अब आप गौर कीजिए, आपका बच्चा क्या गैलरी पर नहीं चढ़ता, आपका बच्चा क्या खिड़की पर नहीं चढ़ता, क्या आपका बच्चा क्या छत पर नहीं चढ़ता, क्या आपका बच्चा क्या मुंडेर के ऊपर खेल नहीं रहा होता, आप गौर कीजिए।